हेलो फ्रेंड्स, चटपट बैटर में आपका स्वागत है। मूंग दाल हलवा तो सबको पसंद है, खासकर मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए बनाएं। इस बार मूंग का हलवा नहीं, लड्डू, वो भी दानेदार। इसके लिए मैंने मूंग दाल को धोकर पानी निकालने के लिए रखा था। ये देखिए, पूरा पानी निकला हुआ है। अब इसको कढ़ाई में हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी पूरा पानी सूखने तक हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम गैस पर चलाते हुए इसका पूरा पानी सुखा लेना है। जब तक कि दाल पहले जैसी आप बाजार से लाए थे, बस वैसे ही पूरी तरह से हो जाए। ये देखो, हो गई ना बिल्कुल सूखी। तो इसको हल्का ठंडा होते ही पीस लेते हैं। हमें इसको पूरा आटे जैसे नहीं पीसना। तो पीसते हुए हमें मिक्सी को थोड़ा चलाते और थोड़ा बंद करते हुए दाल को पीसना है। ऐसा करने से ही दाल हमें दानेदार मिलेगी, इस तरह से। उसी कढ़ाई में मैंने 1.5 कटोरी देसी घी ले लिया। दाल हमारी 1 कटोरी है, पर घी हमें ज़्यादा ही लेना है, तभी लड्डू बन पाएंगे। तो दाल को घी में लाल होने तक भूनना है, जब तक कि दाल लाल ना हो जाए और इसकी खुशबू ना आने लगे। भूनते हुए अगर दाल में झाग आने लगे तो इसमें कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम जो दाल भून रहे हैं वो अच्छे से भून रही है और साथ साथ दाल हल्की हो रही है। जैसे ही झाग हल्की हो जाए या दाल का रंग हल्का लाल हो जाए, तो अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ खोया मिक्स करते हैं। खोए को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 कटोरी खोया मिक्स किया है। दाल और खोया अच्छे से मिक्स होते ही हमें गैस को बंद कर देना है और साथ ही 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल मिक्स करना है। उसके बाद मैंने 1 कटोरी कटे बादाम लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो भी इसी टाइम पर ऐड करना है। हमें सब गर्मा गर्म में ही डालना है। अब घी कहाँ गया आपको पता भी नहीं चल रहा, और लड्डू की शेप देने के लिए हमें इतना घी काफी है। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही इजी और झटपट रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में हमें पीसी चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। यह हमने आखिर में चीनी इसलिए डाली है क्योंकि ज्यादा गर्म में चीनी पानी छोड़ देती है, तो हमें याद से इसे सबसे आखिर में डालना है। चीनी के मिक्स होते ही इसी टाइम पर हमें लड्डुओं की शेप देते हुए सारे लड्डू तैयार करने हैं। इसे बनाइए, खाइए, कमेंट और लाइक करके बताइए कि आपको ये मूंग दाल के लड्डू कैसे लगे। और अगर आप इजी और झटपट रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।